पर ना फूटी कौड़ी है ना, मैंने गांव के अंदर किसी को देना है। ठीक है ठीक है, अभी जाएगा, जल्दी आ जाना पापा। चुप जा रहा हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम आज भाई, आज ना 11:40 हो गए, आज जाके अपना दिन शुरू हो रहा है। नहा धो लिया, सुबह सुबह पहली बार नहाया मैंने, मतलब इतनी जल्दी। उसके पीछे वजह क्या है ना, आज मैं, मम्मी, पापा, भाई लोग ना सब जा रहे हैं मंदिरों। जिस दिन पापा का एक्सीडेंट बताया, तो मम्मी ने उस दिन जब पापा से मिलने हॉस्पिटल आई थी, मम्मी बोली थी, मैं रोते रोते आई थी और सारे मंदिरों में हाथ जोड़ जोड़ते आई थी कि पापा अगर ठीक हो जाएंगे तो सारे मंदिरों में मैं फिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी, बतासे चढ़ाऊंगी, इस तरीके से करके। तो आज जब मैं आ गया हूँ भैया तुंगनाथ घूम के, तो मम्मी बोल रही है एक काम मेरा भी पेंडिंग रह गया था, तो एक काम करते हैं, आज गाड़ी लेके चलते हैं पापा को सारे मंदिरों में जाके दर्शन कराने और जाके वहाँ प्रसाद चढ़ाना है, पूजा करना है, धूपबत्ती करनी, मतलब हल्द्वानी से लेकर रामनगर तक जितने भी मंदिर आएंगे ना रास्तों में, जहाँ जहाँ मम्मी बोल रही मैं हाथ जोड़ के गई थी, सब जगह जाके मुझे पूजा करनी। चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, पापा मम्मी को गाड़ी में बैठाते हैं और चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से आपका हल्द्वानी की तरफ, मतलब हल्द्वानी मतलब कालू साइड, समझ रहे हो, हल्द्वानी तो जितने भी मंदिर रोड में आए थे मम्मी सबको रोते रोते हाथ जोड़ते जोड़ते गई थी, तो आज सबके जाके पूजा करनी है। तो भाई घर वाले सारे कहाँ हैं? हेलो, चल रहे हो? घर कौन देखे, घर को क्या देखना, घर कहीं भाग रहा है क्या? बताओ, 11 बजे हमारे घर के बिस्तर भी संभल रहे हैं। तो चलो मैं, मम्मी, पापा जाते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं, ठीक है? दिन भर सोऊंगी, तुम लोग आराम से आना। वाह वाह वाह, देख रहे हो भैया, भाभी बोल रही है पापा वाले को लेके जा रहे हो, शाम को आराम से आना, मैं दिन भर सोई रहूंगी आराम से। इधर मम्मी हो चुकी तैयार, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। तो भाई देखो, मम्मी सुबह सुबह साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई है और भैया पापा बैठे हैं इधर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग, आओ ना, तुम इंतजार कर रहे हैं एक घंटे से, मॉर्निंग 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 ही लगी है। चलो ठीक है फिर, ठीक है आ रहा हूँ, बैठ। तुम कहीं चलना, जो तक आई के लिए पहनना वहाँ उतारने पड़ेंगे जगह जगह। अरे जब कहीं चलना होता तो अर्ली मॉर्निंग ही पहले चलने की रूपरेखा बना लेनी चाहिए, खाली घर के अंदर घुस्सू करके मेरे पसंद नहीं आता है। चलो ठीक है, ठीक है मम्मी, चल गाड़ी बैठ, पापा गुस्सा हो रहे हैं फटाफट से। पापा बोल रहे हैं चल बैठ 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 फटाफट से। पापा अंदर मुंह बना के बैठे थे, गाड़ी के अंदर गुस्सा हो, हम कहीं जाते हैं ना तो हमेशा कोई ना कोई गुस्सा हो जाता है, ये तो हर एक घर में होता है। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। पहुंच गए काला डंगी, हमारा सबसे पहला मंदिर पड़ता है, हमारे यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। तो भाई पापा को भी मंदिर के दर्शन करा देते हैं। कितने साल बाद आ रहे हो तुम यहाँ? मंदिर में तो पहली बार आ रहा हूँ। हाँ, हर हर महादेव। भाई मम्मी की हो रही है पूजा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तो चलो भैया, एक मंदिर में तो पूजा हो गई है, अब चलते हैं यहाँ से हल्द्वानी की तरफ को। हमारा थाने के आगे से है मंदिर। अच्छा, वहाँ भी जाना है? तो भैया अभी कहते मम्मी और भाई गए बाहर मंदिर में पूजा करने, सामने एक मंदिर है और मैं पापा गाड़ी के अंदर बैठे, क्योंकि बाहर ना बहुत सारे बंदर ही बंदर हो रहे हैं, तो पापा को धक्का वक्का लग गया तो पापा गिर जाएंगे बंदर के चक्कर से, इसलिए हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। भाई जी, हम लोग पहुंच गए हल्द्वानी एक और मंदिर में दर्शन करने के लिए, और पापा ना बैठे बैठे थक जाते हैं, तो पापा के लिए गर्मा गर्म चाय बनाते हैं सामने से। भैया एक टी स्टॉल, यहाँ से चाय पी लोगे, तुम बैठे रहो, उठो, पाँव में दर्द हो रही है थोड़ी देर, अगर मैं चलता रहूंगा तो रिलैक्स मिल जाता है यार, क्या करें फिर, परेशानी तो अपने को है ना। ये सामने मंदिर है ना, इसके अंदर गए पूजा पाठ करने के लिए, पापा आराम से बाहर बैठे, आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, ये लो। तो भाई जी, सारे मंदिर में पूजा करके पहुंच चुके हैं घर पे, और अब पापा आ चुके हैं घर पे। और बता, अभी मुझे ना दिल्ली निकलना है, एक अर्जेंट काम है, भैया भाभी के साथ निकलना है। कल परसों ही मैं आपका तुंगनाथ से आया था, मुझे लगा था 2-4 दिन घर में रुकूंगा पापा के साथ में, लेकिन यार अभी मुझे निकलना है बस। तो भाई चलो, सारे लोग घर के अंदर पहुंच चुके और अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, तो सारा बैग वैग पैक कर रहे हैं, मेरे साथ भैया भाभी दोनों जा रहे हैं, सबके सामान पैक हो गए। ओके पापा, बाय बाय, चलो दिल्ली। अरे चलो घूमका, दिल्ली घूमका। अरे ना, क्या दिल्ली देखना, वही दिल्ली है खाली, दिल्ली से दिल उग गया है। अरे दिल्ली से दिल उग गया क्यों? तुम दिल्ली में कहाँ रहे? बहुत रहा हूँ मैं, एक दिन नहीं पूरे महीनों महीनों। मम्मी तो कह रही तुमने कभी कहीं घुमाया नहीं मुझे आज तक, दिल्ली बिल्ली कहीं भी? हमने घुमाया नहीं किसी को बस। हैं मम्मी, तू चली भी दिल्ली? मम्मी मैं सही हूँ, जिसको जाना है जा सकते, खुली छूट है। चल, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ बस। चलो चलो फिर, चल सामान पैक कर ले, किसी को पाबंदी नहीं कर रहा हूँ। पापा यहाँ है ही, पापा सिद्धू के साथ यहाँ अकेले, क्या दिक्कत है? मैं नहीं देखूंगा, न गाय न भैंस न बैल न तेरे किसी चीज को, मैं इनको खोल दूंगा जंगल को। सही सही बता रहा हूँ, मेरी व्यवस्था नहीं है, नहीं मैं खाना बाहर खा लूंगा, आउट में मैं खाना नहीं बनाऊंगा। चलो मम्मी को बाय बाय तो कर दो, बाय बाय तो कर दो मम्मी को, या फिर कर दिया यार। अरे 1500 दे दो फिर उस मम्मी को, 2-3 हजार दे दो। फूटी कौड़ी नहीं है, फूटी कौड़ी है ना, मैंने गांव के अंदर किसी को देना है, मैंने किसी का नहीं देना। तो मम्मी को मैं ले आऊं या नहीं ले आऊं तो बताओ ना। ना कहीं मत ले जाओ उसको, यहाँ गाय बच्ची को मारो क्यों जिंदे? नहीं भैया, हमें अपना घर देखना है बस, हो गया, हमें दिल्ली फिल्ली कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो घूमने जा रहे हैं दिल्ली। अरे घूमने दो, जिसको घूमने का शौक है घूमने दो। अच्छा सुनो, कुछ पैसे वैसे पड़े हैं क्या?
दो तीन हजार पाँच हजार। अरे एक रुपया तक तो मेरे पास है नहीं, भीख मांगनी कंडीशन तो मैं चल रहा हूँ। मुझको दे जाता दो चार हजार रूपए, मेरे को किसी दुकानदार के सौ दो सौ चार सौ देने होते तो उनके मुँह को मार देता। तुमसे किसी की हिम्मत है कहने की पैसे के लिए? मैं तो होंगे ही नहीं जो कहेगा काय के लिए। पापा को टेंशन हो रही है कि तन्नू मतलब हमेशा के लिए जा रहा गुड़गांव। पापा कह रहे हैं पहले दुकानदारों का सबका हिसाब किताब चुकता कर दो। चलो कोई नहीं, दुकानदार मुझसे कहेगा ही नहीं। कोई तुमसे कुछ मुझसे कहेगा दुकानदार? दुकानदार ने मेरे नाम पर लिखा नहीं होगा। दुकानदार भी जानते अगर एक घुमा देगा तो साल रैपर तो मेरे को ठिकाने रख दिया कर। अच्छा तुम? और क्या, फिर दुकानदार का खाओगे भी और उसको मारोगे भी? हमने खाई नहीं रखा तो कैसे कर देगा वो? पाँच पैसा अदा नहीं करना है, मैंने तो किसी से लिया ही नहीं। जो जो हमारे दुकानदार है जिनका जिनका सामान जिनके दुकान में सामान आता है तो समझ जाओ भैया पैसा वैसा कुछ नहीं मिलना है। चलो ठीक है भाई, फिर बाय बाय बाय। चलो भैया घर से निकलने की तैयारी है, मम्मी नहीं आ रही, मम्मी से हम खाली मजाक कर रहे थे। तो चलो पूजा पाठ तैयारी हो गई है भैया। जाना मुझे शाम को फोन कर देना 7 बजे 6:30 बजे के आसपास में, और आराम से रहना ठीक है। मैं आराम से रहूंगा, मेरी टेंशन मत ले, घर मेरे ऊपर हैंड है। बस रोड में नहीं जाना? ना नहीं जाऊंगा। तो अपनी अपनी बहू को पैसे दे दो कुछ। पैसे यार जेब खर्च बिल्कुल सारा नंगा बना हो रहा है। चलो ठीक है भाई कर निकलो। तो तुम मेरी मुँह मात्र को चलो खाली फिर मेरे को आएगा। तुम रोकी चलो जाओ यार बेटा, पापा की बहू जा रही। पापा रोने लगे देखो। चलो अब आ जाऊंगी मैं थोड़े दिन में, आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। अभी वहाँ 10-15 दिन तक मत रहना, एक हफ्ता रह करके फिर चाहे 2-4 दिन यहाँ रह लेना, फिर चले जाना। फिर 2-4 दिन 8-10 दिन वहाँ रह करके 2-4 दिन यहाँ रह लेना, फिर चल जाना। पापा पहाड़ से एक बार बहू दिल्ली चलेगी फिर वापस नहीं आती, तुम देखा है तुमने? गाँव की सारी बहुएं दिल्ली चलेगी वापस, कोई आई आज तक? हमारी आ जाएगी बोलो, हमारी नहीं करती है ना पापा। प्रॉमिस ठीक है, अभी जाए मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, ठीक है? इनको छोड़ के आ रहा हूँ, ठीक है? बाय बाबा, जल्दी आ जाना। अरे तुम रो क्यों रहे पापा? पापा चुप, मैं जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा जल्दी, कल कल आ जाऊंगा, इनको छोड़ के आ जाऊंगा, इनको छोड़ के आ जाऊंगा पापा। ठीक है रो मत, बाहर आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगी थोड़े दिन में, जल्दी आ जाऊंगी। तो भाई चलो अभी दिल्ली के लिए निकलते हैं फटाफट से। चलो 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 चलो। तो भैया पापा ना इतने जोर जोर से रोने लगे, पापा से मैंने मजाक किया कि ये लोग जा रहे हैं बस 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, मैं ना उनको छोड़ के कल ही आ जाऊंगा वापस दिल्ली से। भाई का कहते भाई ना 1 साल से घर पे है, लॉकडाउन के चक्कर में पापा के एक्सीडेंट के बाद से उसका कहते हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो ऑफिस ने इसको बुलाया है 1 हफ्ते के लिए, तो 1 हफ्ता फिर वापस आ जाएगा। तो भाभी भी जा रही है वहाँ पे खाना बनाने के लिए, कोई तो चाहिए भाई के साथ। तो पापा रोने लग गए। तो चलो कोई नहीं, मैं तो खैर 2 दिन में वापस आ जाऊंगा भाई, 2 दिन। सामान पैक करते हैं निकलते हैं, सिद्धि का मूड भी ऑफ हो गया। सिद्धू तू क्यों रो रही है? लेके रोड थे तुमने रुला दिया और क्यों? चलो भाई सारा सामान लेके भाई अब अभी आ चुके हैं। पापा का मन नहीं माना, पापा बिस्तर से उठ के बाहर आ गए बाय बाय करने के लिए। बाय 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 बाय। चलो बाय बाय। हमारे वहाँ ऐसे ही होता है जब कोई जाता है घर से तो रोने लग जाते हैं हमारे घर में सब। देख मैं ही नहीं रोता, मैं पिछले 2 साल से घूम रहा हूँ, घूम ही रहा हूँ बस। अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं। ओके बाबा बाय 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 बाय। चलो भाई हर हर महादेव, निकलते हैं यहाँ से फटाफट दिल्ली के लिए। यहाँ से 262 किलोमीटर का सफर है, 4 या 5-6 घंटे लगेंगे हमें दिल्ली पहुँचने में। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं दिल्ली, और यहाँ लाइन देखो भाई साहब, ये फास्ट टैग के सामने लाइन देख रहे हो आप। दिल्ली के अंदर हो गई है एंट्री। फाइनली दिल्ली पहुंच चुका हूं, और दिल्ली कहां पहुंचा हूं वो भी सरप्राइज आपको बताता हूं। पहले ये भारी भरकम सा बैग लेके जा रहा, मेरे तो हाथों में दर्द हो गया। नमस्कार जीजा जी। तो भाई मैं आया हूं अपनी दीदी के घर में, और जीजा जी देखो इतने सारे बैग लेके अब हम यहीं रहने वाले हैं। कौन है? ओए वो देख रोहित मामा, ओए रोहित मामा ये देख, ओए हेलो हेलो कैमरा हेलो, अरे बाप रे छुप गया ये देखो, ये कितना नाटक करता है लड़का। हेलो हेलो कैमरा कैमरा हेलो हेलो, अरे ये पता ऐसी नाटक करता है, कैमरा देख के ना मुंह छुपाता है। हेलो हाय क्या हाल है? हेलो क्या हाल है डार्लिंग, कोई एक्साइटमेंट नहीं मामा जी के लिए? तुम कहते हो ना तो अपनी भांजी क्यों दिखाते हो, छोटे बच्चों क्यों दिखाते हो ऐसे? तो पेपर है तो क्या मामा जी आए राइट नाउ हैप्पी? ये 3G 4G में क्या पहुंच हो रही तू? अच्छे से पहुंचो, ठीक है? प्रणाम कर ले जरा तेरी दीदी को, पहले आके प्रणाम कर लूँ। प्रणाम की जरूरत क्या है? उससे बड़ा है उसने कर लिया, तो मेरा तो हमेशा ही आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। ये हमारा भांजा ना नाटक कर रहा है बहुत। देखो देखो मेरी भांजी शैतान जी से लग रही है, पहले कितनी क्यूट लगती थी देखो, जब छोटी छोटी थी।
मेरे साथ खेलती थी बेचारी, और अब देखो कितना ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो आप, अब देखो कितनी भूत जैसी, बिल्कुल है मामा जैसी लग रही है अभी। मामा स्मार्ट है, हैंडसम है, दिखी रहे। तो मैं पहुंच चुका हूं अमित भाई के घर पे, तानी और गुन्नू के घर से मैं आ गया, क्योंकि मेरा एक अर्जेंट काम था। भाई तुम्हारे भाई की आज कुछ डॉक्यूमेंट आने वाले थे गाड़ी के, था मेरा अर्जेंट काम, क्योंकि मेरी जो कार थी ना उसकी आरसी आने वाली थी, आरसी लेके आया 6 महीने बाद, गाड़ी के 6 महीने बाद आई, बताओ ये हद है यार। इसके लिए तो पता नहीं गिरवी लेके आएंगे, आ जाओ शाम को, कितनी की आरसी आई है, आ गई है फाइनली। चलो भाई अपनी गाड़ी की आरसी आ गई है। चलो तो भैया जी, चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, कल मिलता हूँ फिर आपसे खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। मुझे अब दिल्ली से वापस भी जाना है, मतलब मैं दिल्ली आता हूँ तो मतलब चंद घंटों के लिए आता हूँ, मेरे को ना वैसे दिल्ली पसंद भी नहीं है, मुझे पहाड़ पसंद है सच में। तो चलो पापा को घर पर छोड़ के आऊँ, कल फटाफट से घर पहुँचता हूँ। और आज के ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, मत बिल्कुल मत भूलना ठीक है, कि आपके पापा भी ऐसे ही रोते हैं कभी जब आप घर से कहीं जाते हो, तो वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, या मेरे पापा कुछ अलग ही है।